नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी है, हर तरफ घना कोहरा छाया हुआ है। ऐसे में सड़क दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। मथुरा से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार और घने कोहरे का प्रकोप देखने को मिला। सोमवार तड़के यहाँ एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सुबह करीब 3 बजे घने कोहरे की वजह से 2 बसों में टकराव हुआ, जिससे एक बस पलट गई और दूसरी बस डिवाइडर से जा टकराई। इस घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मचने लगी। इस हादसे में 40 यात्री घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि ये हादसा थाना राया क्षेत्र के नजदीक यमुना एक्सप्रेसवे माइक स्टोन 112 कट पर हुआ है। इनमें से धौलपुर से नोएडा की ओर जा रही बस की टक्कर इटावा से नोएडा की ओर आ रही बस से हुई। ये हादसा कोहरे की वजह से कम विजिबिलिटी होने की चलते हुआ। ये टक्कर इतनी तेज थी कि एक टूरिस्ट बस पलट गई, जबकि दूसरी बस डिवाइडर से जा टकराई। हादसे के बाद बस यात्रियों में चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल घटना स्थल पर पहुंची और लोगों को निकालने का काम किया। घायलों को तत्काल एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया है। प्रशासन के मुताबिक 31 घायल यात्रियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 9 अन्य घायलों को आसपास के अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इनमें से एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद घटना स्थल से दोनों बसों को हटवा दिया गया है और रास्ते साफ करवा दिए गए हैं। पुलिस की ओर से घायल यात्रियों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। आपको बता दें कि उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है। ऐसे में आवाजाही में काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। कोहरे की वजह से पिछले कुछ दिनों में एक्सप्रेसवे पर कई हादसे देखे जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से एहतियातन बरतने की सलाह दी गई है। लोगों को फॉग लाइट चलाने और धीमी स्पीड में गाड़ी चलाने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।